मैं हूं आपके साथ वजीह अमर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही गिर चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पिछले 2-3 महीनों से, हालांकि कोरोना भी है हमारे मुल्क में आया हुआ था पिछले कई महीनों से, लेकिन इकॉनमी हमारी बेहतर हो गई है रिलेटेड टू पास्ट ईयर्स। तो आपको क्या लगता है इसमें मजीद बेहतरी आएगी और कितनी ज़्यादा हद तक बेहतरी आएगी? पहले तो ये क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ बेहतरी आई, कोई बेहतरी कोई नहीं आई। देखें, ये नंबर्स जो गेम है, ये वही इस डार साहब का गेम चला रहे हैं। नंबर्स इतना हो गया, 0.5 नीचे आ गया, 0.5 ऊपर गया। लोगों को घुमाने का आसान तरीका है, एक डेफिसिट में जो है ना एक फैक्टर निकाल देते हैं, उस फैक्टर के बगैर वो प्रेजेंट कर देते हैं और उसी फैक्टर को बाद में इंक्लूड करते हैं, और ये फिगर्स की गेम है। और ये कहाँ सी बेहतरी आप किसको कहती हैं? इकोनॉमी में आया क्या? हमारे कर्जे लेना छोड़ दिया हमने क्या? हमारे बिजली सस्ती हो गई है क्या? हमारी गैस की यूनिट सस्ता हो गया है क्या? पेट्रोल की कीमत नीचे गिर गई है क्या? आटा चीनी दाल घी कुछ चीज सस्ती हो गई क्या? हमने अपने जो हमारे जॉब्स वाले बंदे हैं क्या उनकी सैलरी ऊपर की है? नथिंग। दीज आर द देखें, एक ढीठ लोग होते हैं ना, ढीठ लोग हैं पॉलिटिशियन, माफ कीजिएगा मगर है, अपने झूठ को साबित करने के लिए फैक्टर डिफिसिट्स लगा के, फैक्टर्स लगा के, और उसके बाद आपको एक फिगर्स दे देते हैं, फिगर्स की गेम लगा देते हैं और फिगर्स की गेम के थ्रू मूवमेंट करती है। डोंट थिंक सो कि आ गए, जो डार साहब कर रहे थे वही फार्मूला भी ये कर रहे हैं। लेकिन सर, मुझे लगता है कि ऐसा है क्योंकि महंगाई में थोड़ी बहुत कमी हुई है। जुलाई में जो था महंगाई का रेशो 9.3 था, लेकिन अब जो है वो 8.3 आ गया अगस्त में रिसेंटली। तो फिर वही बात, 9.3, 8.7, 9.9। दूध कम हुआ है, लीटर कितना है दूध का? देखिए, मसला ये होता है ना कि जो बंदे आप लोग जो फैमिली वाले जो लेके आते हैं ना चीज़ें, हमारी यूथ जो आराम सुकून से डैड आप कहते हैं पापा ब्राउन ब्रेड चाहिए, ठीक है, तो पापा ब्राउन ब्रेड तो ले आते हैं, उसको क्या पता कि ब्राउन ब्रेड महंगा है या सस्ता है। और बेटी कह देती है कि पापा वो चक्के का आटा ठीक है, दूसरे आटा से जो है ना मैं मोटी हो जाऊँगी, ठीक है, तो वो ले आते हैं। अब महंगा है सस्ता है उनको परवाह नहीं है। चीनी कहाँ से इन महंगाई कमी हुई है? का क्या आपके पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल की देखिए सर, ये गेम है, ये फिगर्स से, ये फिगर्स देखिए एक्यूरेट होते हुए मगर वो फैक्टर्स निकाल देते हैं। देखिए, अब जो MBA के स्टूडेंट्स हो या जो मैनेजमेंट जो पढ़े हुए, उन्होंने देखिए फैक्टर्स होती हैं, हर एक फैक्टर से बड़ा फर्क पड़ता है। आप ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डाल देंगे कि एक्सपोर्ट हमारी बड़ी है, ठीक है, एक्सपोर्ट बड़ी है, मगर एक फैक्टर निकाल के अगर आप उसकी डिफरेंशिएशन फैक्टर डाल के वो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारी एक्सपोर्ट की जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है। अब वो क्या डेफिसिट क्या कंट्रोल करते हैं कि हमारा इंपोर्ट, मतलब फॉर एग्जांपल 2000 रुपये का इंपोर्ट हो रहा था, 1600 या 1600 रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा था, 400 रुपये का गैप था, ठीक है। अब जब आपका इंपोर्ट कोरोना की वजह से वैसे ही कम आ गया और आप ऊपर चले गए और आप उस चीज को क्लेम करते हैं कि हमने बड़ी अच्छी कारगर्दगी दिखा दी और हमारा एक्सपोर्ट और उनका बीच में डेफिसिट जो है ना वो बड़ा कम होने लगा है। सर, लेकिन डेफिसिट की अगर बात करें तो 2019 में जो था 613 मिलियन डॉलर था और अब 800 मिलियन डॉलर है, तो बहुत ज्यादा कमी आई है। बेशक फिगर्स है लेकिन कमी तो आई है ना अभी। देखिए, कमी आई है, देखा आप इम्पोर्ट कम ना होने के बराबर है, पिछले 6 महीने से आप कितना इंपोर्ट कर चुके हैं, डेफिसिट तो आना ही है ना उसमें डिफरेंस। तो देखिए फैक्टर्स होते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फैक्टर्स होते हैं, आप उस फैक्टर्स को डाल के देखिए कि देखें ऑल इज गुड व्हेन एंड इज गुड। सबसे एंड में हम बात करते हैं जो हुकूमत होती है उसे हम चाहते क्या हैं कि अगर आपके जो घर का बिल है वो कम आए। 92,000 बिल आया हमारे ऑफिस का, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद लेता हूँ, 92,000 रुपये बिजली का बिल आया। इतना ख्याल रखने के बाद 92,000 रुपये ऑफिस का बिल आना, क्योंकि यूनिट महंगा है। अब आप उसकी चलाकियाँ देख लें, उनमें यूनिट में क्या करते हैं कि एक अदूद होती है वहाँ से ऊपर बढ़ जाता है तो वो यूनिट जो है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। अब अल्लाह के बंदे, जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसके यूनिट कम करना चाहिए। पूरी दुनिया में जो कानून लागू होता है उन्होंने उल्टा लगा दिया है कि जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा महंगी देनी चाहिए। यानी कि जो एक है जिसका घर सिर्फ एक कमरे का घर है और एक लाइट लगी हुई है और वो भी सेवर एनर्जी लगा हुआ है, एक टीवी है, तो वो तो खुश होगा,
मगर आप इफेक्ट कितने बंदों को कर रहे हो, 60% पॉपुलेशन को तो इफेक्ट कर रहे हो। सर आपको ये लगता है कि ये जो सारी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है हमारी और बहुत ज़्यादा मतलब इकॉनमी हमारी जो है सही हो रही है, ये सिर्फ बातें हैं फिगर्स के लिए? देखो कि प्राइस वैल्यू फैक्टर्स आ गए हैं आपकी प्राइस, देखें आप प्राइस वैल्यू का फैक्टर डाल के देख लें कि पहले डॉलर कितने का था, अब कितने का था, हाउ इज इट पॉसिबल, आपकी इम्पोर्ट कम होगी, कम इसलिए हुई है कि आपका डॉलर इतना ऊपर चला गया है, जिन लोगों ने पहले मतलब फॉर एग्जांपल 2 लाख डॉलर्स के मंगा रहे थे, अब उसने 1.5, 1.40 और 1.30 के मंगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो अमाउंट आ रही है उसी के हिसाब से बन, ये फिगर्स हैं। ऑल मैटर्स के आवाम को क्या पहुँच रहे हैं, क्या आवाम खुश हैं, नहीं, क्या बिजली सस्ती है, नहीं, क्या गैस की यूनिट सस्ता है, नहीं, क्या घी आटा चीनी कोई नहीं, मुझे उस देखे आप देखो आवाम को वही ये तो नवाज शरीफ भी कर रहा था, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ एंड पीटीआई। अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें जो जुलाई का मंथ है उसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया है हमें, और सबसे मुझे लग ही रहा है कि मेरे साथ डार साहब बैठे हुए और गेम खेल रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या हमारी लाइफ जो गरीब आवाम की टाइम लगता है थोड़ा सा लाइक 2-3 महीने में, तो यही बात फिर तब हम करेंगे बेहतरी आएगी, हम तब कर सकते हैं, वी कैन टॉक दैट एट दैट मोमेंट कि हमारी बेहतरी आ गई है, वो उस वक्त कर सकते हैं जब बेहतरी आ जाए। इस टाइम क्या हमारे हालात मुल्क के हालात बेहतर है, नहीं, क्या लोग खुश हैं, नहीं, क्या चीज़ों की कीमतों में कमी आई, नहीं, That matters. लेकिन सर वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना, आप देखिए जुलाई में जैसे हमारा रेमिटेंस आया है 2.768 बिलियन डॉलर्स, तो आपका मतलब है कि पीटीआई 2 साल में नहीं कर सकती? सर नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ अभी हमारी बीच में आपको पता है कोरोना, तो क्या जब पीटीआई इंटर हो रही थी, पीटीआई इंटर हो रही थी, उनको नहीं पता था कि हमें 5 साल लगेंगे इस चीज को कवर करने में, 6 साल का नारा क्यों लगाया? सर वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए जब इकॉनमी अभी जुलाई में हमारी बेहतर होना शुरू हुई है, अब अगस्त गुजरा है और अब उसमें हुकूमत की कोई कारदगी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। देखिए एक बात सुने, बेहतरी क्या आई है, बैरल चला गया था 2322 पे डॉलर में, ठीक है, उसके मुताबिक जो लीटर जो पर लीटर प्राइस होनी चाहिए थी वो तकरीबन 52-53 होनी चाहिए थी पर लीटर पेट्रोल, 52-53, आप उस चीज को बनाते हैं 100+ पे चला रहे हैं, ठीक है, और उसके पैसे अवाम का जूस निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इकॉनमी बेहतर कर दी, बेहतर ही नहीं है, ये बेहतर करने के लिए ही इकदमात लिए गए थे ना, थोड़ा अगर आप किसी की टांग काट दें और कहें कि जख्म दूर हो गया, तो अगर उसको आप कहते हैं कि जख्म दूर हो गया तो ठीक है दूर हो गया, अदरवाइज अवाम के बीच में बैठते हुए, और मैं जब खुद हाउस होल्ड के लिए चीजें ले रहा हूँ, कोई खुराक चीज़ों दूसरी चीज़ें लेने, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिस्टिक नहीं है, आपको पता है किसान भी पिट रहा है, आवाम भी पिट रहा है, बीच में जो ब्रोकर्स बैठे हुए ना, अब वहाँ से वो आलू के एक आलू का जो केजी है वो 25-30 रुपए पे उठाते हैं, हम तक पहुँचता है वो 80-85 रुपये, ये बीच का पैसा कौन ले, मंडी वाले, बिल्कुल, क्या ये सो रहे हैं, क्या इनको अकल नहीं है, क्या एक्शन ले रहे हैं ना, मतलब 2 साल में अगर ये सब्जी मंडी पे एक्शन नहीं ले सकते और इनको 5 साल सब्जी मंडी के लिए चाहिए, तो भाई रहने दें, जो था वो ठीक था। अब मुझे, मैं नहीं कहता कि वो पिछली हुकूमत बेहतर थी, वो भी बदतरीन हुकूमत थी, मगर अगर ये भी वैसे ही कर रहे हैं और इनको भी अगर हम 25 साल का डिमांड कर रहे हैं, तो सॉरी ब्रदर हमारे पास 25 साल नहीं है, मैं तो मुझे ये फर्क पड़ता है कि आज क्या हो रहा है, अगर 10 साल के बाद सर, कुछ लेकिन जो इतना मैसअप क्रिएट हुआ है पिछली हुकूमत से, उससे बाद उससे पहले तो आपको पता था ना, आते ही ना डोंट कंप्लीट, तो आवाम लेके आई है ना पीटीआई को, तो वजह 6 महीने का नहीं, 6 महीने का पीरियड दिया था, 3 महीने में करप्शन, 6 महीने इकॉनमी बेहतर, 1 साल में पांव पे खड़ा कर दूंगा, इसलिए आवाम ले गया। सर बीच में कोरोना आ गया, इतने सारे प्रॉब्लम्स कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से आपको बचत होगी, आपको बेनिफिट मिलने को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, आपने जो किस्तें देनी थी, देखिए अब सबसे बड़े कोरोना की बात आपने की, अब हुकूमत की मैंने वैसे भी आप देख लें, एक मिनट, कोरोना में आपने लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट अदा करना था, जो किस्त देनी थी वो नहीं दी, ठीक है, यूजलेस किस्म की आप लोगों ने वो ब्लॉकिंग की, ठीक है, हर एक चीज की कीमत दुगनी तिगनी करवा दी, जैसे जब आपने जहाँ पे रश होना है मतलब 7 घंटे में सारे चीज़ खुले हो, 7 घंटे के बाद बंद, तो 7 घंटे में जब 22 करोड़ आवाम घुसेंगी और 7 घंटे में चीज़ें फरोख्त करेंगी, किसी मफलूज इंसान को भी समझ आएगी कि कोरोना उससे बढ़ेगा, आप उसी चीज़ को उठा के 24 घंटे कर देते हैं, बैंक को आप
इनिशिएटिव करते हैं कि बैंक 24 घंटे खुले हों ताकि कोरोना ना फैले, और जिसका जिस टाइम दिल करता है उस टाइम जाए, सारे ऑफिस 24 घंटे कर देते हैं। ये होता है आपको, फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ से कोरोना, देखिए आप लोगों को पता होता है कि मैं रात 3 बजे भी जा सकता हूँ, पैसे निकाल सकता हूँ, सारे एकदम नहीं भागते। आपने इनिशिएटिव लिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया, कीमत दुगनी तिगनी पे ले गए और लोगों को एप्लीकेशन पे लगा दिया 12,000। यही 12,000 आप सब्सिडी देते तमाम चीज़ों पर, ना खुर्दबर्द होती, ना करप्शन होता, ना ही कोई चीज महंगी बेचती, और लोग आराम सुकून से बगैर खैरात के जिंदगी बसर कर रहे हैं। सही जो आप बात कर रहे हैं कि 7 घंटे का टाइम था और लोग, तो सर इसमें अवाम का भी तो कसूर है ना, उनको भी इतना नहीं, हर चीज में अवाम कसूर नहीं है। आप साथ नहीं, मैंने जिंदगी गुजारने, मैंने टमाटर लेके आने, मैंने खुराक करनी है, ठीक है, तो मैंने जाना है। लेकिन SOPs पे तो उन्होंने भी अमल, कौन SOPs? SOPs आपको किसने कहा था कि मास्क लगाने से कोई फायदा कोरोना का नहीं होता, हैंड सैनिटाइजर यूज करने से आपकी इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, बेहतरी नहीं लाती। इन लोगों को खुद कुछ नहीं बताता कि करना क्या है, हवा में तीर चलाए जा रहे थे जिसकी वजह से नुकसान। लेकिन सर देखिए, आप ये भी देखिए, हमने कंट्रोल कर लिया कोरोना पे, किसने? अल्लाह ने कंट्रोल करे। इन्होंने कौन सी ऐसी चीज, कोई वैक्सीनेशन बनाई जो उन्होंने कंट्रोल की? सर इन्होंने लोगों को लॉकडाउन किधर था, किसने कहा था लॉकडाउन? कहाँ पूरा दिन ऑफ होता था ना, और शटर डाउन, अंदर सामान बिक रहा होता था, सबको पता है। मैं आपको बताता हूँ, शाहीन जो सारे केमिस्ट बैठे में, देखे रश कहाँ पे होता है, आपके परचून दुकान पे खुले थे, आपके मेडिकल स्टोर पे खुले थे, आपके दूध वाली दुकान पे खुले थे, तंदूर पे होते हैं सारे इकट्ठे होते हैं खुले थे, तो रश क्या? मेरी बात सुने, क्या एक 5-स्टार होटल के अंदर रश होता है? वहाँ का रश होता है, 4 टेबल होते हैं, उसके बाद कोई एक बैठा होता है, फिर 3 टेबल खुले होते हैं, तो वहाँ से उनको बंद करने से कहाँ कहाँ से अब कोरोना। लेकिन अगर हम मेडिकल स्टोर ये लोग बंद कर देते फॉर एग्जांपल, तो तब तो बहुत मसला हो जाता। मैं नहीं कह रहा कि बंद कर देते, मैं कहता हूँ सब कुछ 24 घंटे खोल देते हैं, मस्ट कर देते हैं, मतलब बैंक 24 घंटे स्टाफ को डिवाइड कर देते हैं, आधा स्टाफ दिन को आएगा, आधा स्टाफ नाइट ड्यूटी होती है। स्टाफ अभी जहाँ पे 10 बंदे काम करें वहाँ पे 5 बंदे आते हैं। इट वाज वेरी इजी टास्क टू डू, रादर देन टाइम और शॉर्ट कर दिया ताकि 4 बजे तक हम सब जबरदस्ती सारे के सारे काम 4 बजे तक हमने निपटाने थे, तो उससे कोरोना। लेकिन आप ये भी तो देखें फिर कैसे बेहतरी आई है कोरोना में। खुदा ने देखे, एक चीज, एक इंसान है, एक अल्लाह की ज़ात है, एक वो करते हैं जो हम सोचते हैं, एक अल्लाह ताला की, लेके आने वाला कौन? खुदा, लेके जाने वाला भी खुदा। इसमें इंसान के कोई दखल नहीं, नहीं नथिंग, की हुकूमत नहीं, कोई ना ना, नथिंग नथिंग, जीरो। अच्छा तो अब हम वापस आते हैं इस पे इकॉनमी पे, तो आप जाते जाते मुझे ये सिर्फ बताएं कि आपको क्या लगता है, ये इकॉनमी बेहतर होने में, एक्सपोर्ट ज्यादा होने में, रेमिटेंस ज्यादा आने में हुकूमत का कोई हाथ नहीं है? ये सिर्फ फिगर्स हैं जो हमें शो कराए। देखिए मैं नहीं कह रहा कि ये फिगर्स गलत है, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, फिगर्स ठीक है मगर बेवकूफ़ी है। ठीक है, मुझे उस चीज़ से गर्ज है कि आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचा, क्या पहुंचा नहीं, क्या लोगों के लिए चीज़ें सस्ती मुहैया है तो नहीं। मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर ये सब हो रहा है, बेहतरी है, तो फिर क्यों आवाम को क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा? ये दिस इज द क्वेश्चन। देखें कि भैया बात सुनो, बात दरअसल ये, आपने वो सवाल किया कि बेहतरी क्यों नहीं आ रही, बेहतरी इसलिए नहीं आ रही कि हम पुराने इंजन से नया टायर लगा के खुश हो रहे हैं कि हम मंजिल मकसूद पे पहुंचेंगे। देखिए टायर बेशक मैटर करता है मगर उसके साथ साथ आपका इंजन जो है ना, वो मैटर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मेन कोर वही है। इंजन जो है हमारे वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो चेंज हुई है नहीं, ब्यूरोक्रेसी है चेंज हो रही है, ठीक है, उसके अलावा आपकी अदलिया है, क्या उसमें फ़र्क आया नहीं, क्या कैसे जल्दी सॉल्व हुए नहीं। आप मुझे बताएं, हमारे कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दे जो अपने डोमेन में रहता हूँ, कोई एक, अदलिया, फौज, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, कोई एक हो जो अपने अदूद में रहते हैं? नहीं, सारे के सारे अपने अदूद से, सर्कल से बाहर ही काम करते हैं। उन हर किसी की ख्वाहिश है कि वो तमाम सर्कल पे कंट्रोल रखें, ठीक है। जो पार्लियामेंट का काम है वो अदलिया कर रही है, जो अदलिया का काम है वो पार्लियामेंट कर रहा है, जो दोनों का काम है वो फौज मुदाखलत करी, जहाँ पे फौज का काम है वहाँ पे कोई और लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए बेहतरी नहीं आ रही। अब आप उसको कहेंगे कि इसका इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है? देखें इकोनॉमी का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है, जब एक इन्वेस्टर आता है बाहर से, उनको पता होता है कि मेरे पैसे डूबने नहीं है, तो एक के बजाय 3 आएंगे। जब उसको पता होता है कि इतने लोग इन्वॉल्व है और मेरी पैसे सिक्योर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपकी इकोनॉमी नहीं बेहतर होती। हमारे लोगों ने क्या किया हुआ है, सुबह दोपहर शाम टॉक शोज के अंदर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के अपने आप को प्रूव करना है कि मैं ठीक हूँ, दैट्स इट। तो उस
टॉक शोज की फिगर्स के मैच करने के लिए ये फिगर्स बनते हैं। फैक्टर निकाल दिया हमने, इतने इंक्रीज कर दिया, एफिशिएंसी इतनी हो गई, हमारी एफिशिएंसी इतनी हो गई, जीडीपी हमने ग्रोथ इतना कर लिया। और भाई कोई सवाल पूछे, कितने लोगों को घर दिए, कितने गांव को बिजलियाँ दी, कहाँ कहाँ डैम बनाए, उसके बाद बताएं कि भाई आपने शुगर माफिया का, ठीक है आपने ऑपरेशन किया शुगर माफिया का, हुआ क्या? क्या उससे मुझे फ़र्क पड़ता है कि जहांगीर तरीन बाग के बाहर चला गया है, खुसरो बख्तियार उधरी बैठा हुआ है, उससे मुझे क्या पड़ता है? आप मेरा नाम भी डाल दें, बल्कि मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मेरा नाम भी लिस्ट में डाल दें, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क तब पड़ता है जब उनको पेनल्टी लगती, उनकी शुगर मिले बंद हो जाती और पेनल्टी वो उन पर नीलामी लग जाती ना, तब फ़र्क पड़ता ना पड़ना था। आप अगर यही सब्जी मंडी वाले को प्रोवाइड कर देना कि अगर इतने परसेंट से ऊपर पैसे प्राइस में आगे पीछे किया ना, तो उस किसान को बोल दे कि आप रजिस्टर कर दे, उसका लाइसेंस मंसूख कर दें, फर्क तब पड़ेगा। आप जब एक बेकार किस्म की, अब यूटिलिटी स्टोर, आपको पता है यूटिलिटी स्टोर पे हमारे पैसे कितने खर्च होते हैं? आप ज़रा फिगर निकाल के देखिए अगर लोगों में एक यूजलेस एक्टिविटी ना, वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल, पैसे लेते हैं वो 120 रुपये वाले दाल के, अवेलेबल वहाँ पे 75 वाली दाल है, वो भी उसके साथ जो पत्थर वगैरह उनके साथ मिलाए जाते हैं। कोई भी नॉर्मल पर्सन जो इसका गुजारा हो सकता है वो कभी भी अपनी चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से नहीं लेगा। तो इस यूजलेस चीज़ को चलाने का फ़ायदा क्या है? आप लोगों में से कितने ने मोटिवेट किया कि पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान को मोटिवेट करें? कितने इश्तिहार देखें, फजूल किस्म के इश्तिहार, पार्टी के इश्तिहार तो हज़ार गुना चलते हैं। अपने पोस्ट ऑफिस जिसमें लाखों लोग उनसे जुड़े हुए और लाखों मजीद लोग उससे जुड़ सकते हैं, क्या आप उनको प्रमोशन की कभी? यहाँ से बनती है हुकूमत, यहाँ से बनती है आवाम, और यहाँ से बनते हैं आपकी जो ग्रोथ सब कुछ वैसे बनते हैं। यहाँ पे होता क्या रहा है अभी तक, मैं बहुत से चीज़ों पे इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ मगर सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे, उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, उस पर मैं कभी जो भी आया मैं डिबेट करता हूँ, उसको डिफेंड भी करता हूँ उसकी फॉरेन पॉलिसी। इंटीरियर इंटरनल जो हमारी पॉलिसी है ना, इंतहाई बकवास, इंतहाई नाकिस किस्म की, ना आगे पीछे ना पता, एक चीज़ के पीछे हल्ला गुला मचाया होता है, हम ये कर देंगे, हम ये कर। के इलेक्ट्रिक कराची का, के इलेक्ट्रिक हुकूमत अदलिया एस्टेब्लिशमेंट सब के मुंह पे खरा रेता पड़ा, सबको पता है कि वहाँ पे करप्शन है, सबको पता है कि गलत काम हो रहा है, सबको पता है कि परफॉर्मेंस नहीं है, सबको पता है कि तीन गुना ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई कर सकता है कुछ नहीं। तो ये बेबस लोगों का ना कोई हुकूमत होती है, ना उनकी कोई ग्रोथ होती है, ना कोई मुल्क होता है, ये भीड़ जमा है और भीड़ जो है अपनी अदफ अहमी रवा दवा है, अल्लाह ताला जानता है कि चला कैसे रहे हम। मेरे मुताबिक तो 1971 में सिर्फ एक दरनी बनना चाहिए था, पाकिस्तान ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब उसके बाद अभी तक कैसे चल रहा है अल्लाह जानता है, और अल्लाह ही चला रहा है। हेल्थ एंड हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को, इस आवाम को और इस्लाम को बर्बाद और तबाह करने के लिए, कोई कसर छोड़ी नहीं है। बाकी अल्लाह, हो सकता है अल्लाह ने कुछ और लिखा हो, अदरवाइज आवाम ने ना, आवाम ने कोई चीज़ छोड़ी है इसके अंदर, ना हुकुमरान ने, ना फौज ने, ना अदलिया ने, ना एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी एक इदारा ने वो सब कुछ किया जो इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, मगर खुदा फिर भी चला रहा है। तो ये इसको कहते हैं खुदाई, खुदा नज़र इन चीज़ों में आता है कि सब कोई लूट रहा है, एवरीबॉडी, यहाँ पे है भी कुछ नहीं, सब लूट रहे हैं मगर फिर भी निज़ाम चल रहा है, तो इसका मतलब खुदा है। मतलब हमारी जो है हुकूमत को सिर्फ ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, अवाम, अदलिया, फौज, हर जगह को, हर अपने अपने इदारे को ठीक होने की ज़रूरत है, तभी जाके ये मुल्क जो है सही ट्रैक पर चलेगा। बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, एक न्यू वीडियो के साथ आएँगे। अल्लाह हाफिज़।